बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और फ्रैकल की वजह से परेशान रहते हैं और तरह तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके तंग आके हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और घरेलू नुस्खा और इलाज है। इलाज मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको दो टिप्स के बारे में बताऊंगी, एक लगाने के लिए और एक खाने के लिए। क्योंकि कोई भी बीमारी हो या कोई भी स्किन का मसला हो, जब तक आपके अंदर से ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। आप कितनी भी चीजें इस्तेमाल कर लें तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए आपको मैं एक खाने के लिए भी एक टिप बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमें चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, चावल, बादाम, शहद और दूध। सबसे पहले हमने चावल और बादाम ले लेने हैं हम वजन, और इनको ग्राइंड कर लेना है और इसका पाउडर बनाकर किसी बोतल वगैरह में डालकर महफूज कर लेना है। और फिर रोजाना थोड़ा सा इसमें से निकाल कर इसमें एक चम्मच हमने शहद का और एक चम्मच हमने दूध का डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और क्रीम तैयार कर लेनी है। और जब आपने अपने फेस पर लगाना हो, इसे आप अपने फेस पर अप्लाई करें और मसाज भी करें। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर उसके बाद आप ताज़ा पानी के साथ मुंह धो लें। इससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, फ्रैकल वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको इलाज के बारे में बता रही हूँ। आपको 8-8 बादाम की गिरियां लेनी है और ताज़ा पुदीने के 10 से 12 पत्ते लेने हैं और 2 सेब लेकर 1 गिलास दूध में ये सब चीज़ें डालकर इनको ग्राइंड कर लेना है। और नाश्ते में आपने ये जूस पीना है। अगर आपको मोटापे का मसला है तो आप इसमें तुखमलंगा भी डालकर पी सकते हो, वो आपके वेट को कम करेगा और इंशाल्लाह आपके तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें, और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।